होंगे, ये कंप्लीट एकेडमी है। ओह यस, ये कंप्लीट एकेडमी है, कंप्लीट यूनिवर्सिटी, सारे मिले हुए हैं। जो बात है वो बात है, ये भी एकेडमी है जो पूरा साल बंद रहती है। सानिया जी, where do you see where you are right now? Are you happy? Are you satisfied? I am personally very happy and very satisfied, alhamdulillah. जब आपने स्टार्ट किया था 33 साल पहले, 32 साल पहले, और अब का दौर, क्योंकि मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ जिस दौर में आपने और मैंने शुरू किया था, उस दौर में बात जरा मुख्तलिफ थी, सिखाने वाले थे, बताने वाले थे, दुरुस्त करने वाले, ठीक है। अब मुझे इन सारी चीज़ों का फुकदान लगता है। डू यू फील द सेम वे? या आपने अच्छे लोगों के साथ काम किया और मैंने बुरे लोगों के साथ किया? मैंने भी काफी बुरे लोगों के साथ काम किया है, मगर मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती। नहीं, मैं जब मीडिया के और अपने मुल्क की या कोई चीज़ों के बारे में नेगेटिव बोलता हूँ ना, तो नेगेटिव वही लोग बोलते हैं जिनको मोहब्बत होती है उस चीज से, जो कहते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इंडिविजुअल्स का इतना कसूर नहीं है जितना सिस्टम का कसूर है। जिस सिस्टम में हम काम करते थे, हाँ, और जिस सिस्टम की हम पैदावार हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल डिफरेंट था। वक्त मिलता था, अपने किरदार के साथ वक्त मिलता था, आप राइटर्स के साथ भी बैठ सकते थे, आप अपने को स्टार्स साथ रिहर्सल्स करते थे, हम बहुत सवाल पूछने की गुंजाइश रखते थे, उसका वक्त होता था, हमें जवाब मिलते थे, और एक हर प्ले एक कलेक्टिव एफर्ट की तरह ही हम तक पहुंचता था, और हम उस कलेक्टिव एफर्ट का ही हिस्सा बनते बन जाते थे। तो अब वो मुझे लगता है वो सिस्टम तब्दील हो गया है। आई थिंक जो हमारे नए एक्टर्स हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टीटास्क करते हैं, अपने घरों को फैमिलीज को भी देखते हैं, काम भी बगैर किसी गाइडेंस के इतना अच्छा करते हैं, बगैर किसी रिहर्सल के भी। मतलब आप लोगों ने जो रिहर्सल की पहले टाइम दिया वो, हाँ, अब तो देखने से ऐसे लगता है। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों को थोड़ा सा पॉलिश के लिए आसानी पैदा कर दी जाए तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। उमर सानिया जी, डू यू एग्री विद दिस? जो हिंदुस्तान ने शिक लगाई है कि दे आर नॉट गोइंग टू वर्क विद पाकिस्तान, तो ये बंदिशें ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। और ये जिस तरह के अब हालात हिंदुस्तान में देखने में आते हैं, एक तो डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इस पूरे रीजन में हमें लगता था एक सेक्युलर जगह है जहां हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के ख्यालात को आवाज मिलती है, गुंजाइश मिलती है, वो इस पूरे रीजन में एक ऐसा खित्ता नजर आता था, और वहां इतनी तेजी से तब्दीली आना बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और ये भी कि बिल्कुल सही बात है कि फनकार तो ही तो आपस में एक्सचेंज होने चाहिए, और ऐसा मुख्तलिफ वक्तों में तारीख में होता रहा है कि कभी उनकी तरफ से पाबंदियां थी, कभी हमारी तरफ से पाबंदियां थी। जिस जमाने में हमारे यहाँ मार्शल लॉ था, तब भी मेहदी हसन साहब जाते थे, हमारे शौरा वहां जाते थे, बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे, गुलाम अली साहब जाते थे, मैडम नूरजहां उसी जमाने में दो दफा गई हैं, या गालिबन एक दफा गई हैं, और जिस तरह वालेहाना उनका इस्तकबाल किया जाता था, आज भी YouTube पे आप हमारे गानों के नीचे आप कमेंट्स पढ़ लीजिए पुराने के, वाह क्या गजलें हैं, और शायरी वो हमारी सुना करते थे, पसंद किया करते थे, हमारे पेंटर्स स्कल्प्टर्स बहुत जाया आया करते थे, और इनका तो एक तरह की डिप्लोमेसी होती है फनकारों का जाना आना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक हमारे पास इतना कुछ है एक्सचेंज करने के लिए, और इतनी सिमिलैरिटीज हैं और इतने डिफरेंसेस भी हैं जो हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं और सीख सकते हैं एक दूसरे से, तो वो अपॉर्चुनिटी लूज हो जाना बहुत ही अफसोसनाक बात है दोनों के लिए। और नुमान भाई, उसमें एक चीज और है, आप उन आर्टिस्टों के साथ जब काम करते हैं ना, वो भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट हैव नो बाउंड्री, ना वो यहाँ का ना वहाँ का, आर्टिस्ट पूरी दुनिया का है। आर्टिस्ट नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, और हम अक्सर ये बात करते हैं कि आर्टिस्ट का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं इससे इत्तफाक नहीं करती, लेकिन मैं तो कहती हूँ ईरान की जितनी डेवलप्ड फिल्म इंडस्ट्री है और जितना कुछ सीखने को मिल सकता है, सिर्फ अगर हमारे साथ ये लैंग्वेज का बैरियर ना हो, हमें उनके साथ काम करना चाहिए, हम इतना कुछ सीखेंगे उनसे। और इस सारे के बीच में हमें अपनी फिल्म, अपना नैरेटिव, अपना अंदाज डेवलप करना है, जिसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत, और जहां से जो बटोर सकते हैं वो बटोरने की जरूरत है। तो वो तो मवाके ही खत्म हो गए।
आप एक्टर भी बहुत अच्छे होंगे, सिंगर, हैंडसम, आवाज, कपड़े, जूते, शर्ट। और आप म्यूजिक का पावर देखें नवीन भाई, ये कितनी पुरानी गजल है, सुहेल राणा साहब की कंपोजिशन है ये, और फरीदा खानम जी ने, बहुत लोगों ने, फिर उसके हबीब अली मोहम्मद साहब ने भी गाई, बहुत लोगों ने गाई। वो बच्ची जो सामने बैठी है, मेरा ख्याल है वो कोई है 20 साल की, बहुत अंदाजे से बता रही है, छुट्टियां वो उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया था गाना सुन के। दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ये गजल इसी इन्हमाक से सुनी जाती है हिंदुस्तान में भी। इनफैक्ट अभी जो वहां बहुत प्रोटेस्ट हुए उनकी गवर्नमेंट के कुछ फैसलों के खिलाफ, उसमें हबीब जालिब की शायरी गाई जा रही है, उसमें फैज की शायरी। आप कैसे अलग रख सकते हैं? ज़बान इतनी फ्लूइड चीज है, ज़बान पानी है, हवा है, और चाहे तो आग भी है। ये जो आपने लेके बोला ना, चाहे तो आग भी है। लेकिन मैडम आप देखिए गाना कितना पुराना है, अब तक लोग सुन रहे हैं। एक लतीफा एक बार सुनाओ, दोबारा बोलते पुराना है दूसरा। अच्छा सानी जी से मेरा सवाल है, इस पे पूरा शो डिपेंड कर रहा है। ये बात मानते हैं, क्योंकि यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ये बात मानते हैं कि कुदरत ने मर्द को ताकत और औरत को जुबान देकर हिसाब बराबर कर दिया? सवाल है मेरे बड़े, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक और आसान तरीका है दोनों की सलाहियतों को समझने का, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक को कम एक को ज्यादा, या एक को कम एक को ज्यादा दिखाने के लिए, या उनका मजाक उड़ाने के लिए, जो मेरे ख्याल किसी तरह भी। ताकत दोनों की अलग अलग है और बराबर है, जबान दोनों की है और बराबर है, और दोनों के पास होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ हम, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ मर्द हजरात को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की ट्रेनिंग की कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सकें। ये साइकोलॉजिकली एक फैक्ट है कि चूंकि वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, इसलिए वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जी बिल्कुल, हम बचपन से लड़कों को बताते हैं कि वो रो नहीं सकते, वो मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्यों नहीं कर सकते, और वो ताकतवर होते हैं, और वो ताकतवर नहीं होते, उन्हें रोना, हर वक्त हर इंसान मर्द या औरत ताकतवर नहीं होता। जब भी मोहब्बत का इजहार किया वो कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, दबंग तरीके से एक बात कह दी, हाँ तो वो लोगों ने माइंड कर ली। ये क्या बात है? और कुछ लोग भाई आपके जाती मामला में ना, तो हमारी टॉप स्टार के बारे में बताइए जी। अरे भाई इनके बारे में क्या सर, ये आपकी जायचे को देखने के बाद ये दूसरा दरवेशाना जायचा है, बताए मैं की कड्डा है। थैंक यू वेरी मच। मलंग है मलंग, 99% मलंग। मैं कई दफा पहाड़ा तो फड़ के ले आया, नहीं नहीं ड्रामा ही करना है। मुझे जो एक डर है, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, वेल लर्नड वुमन, अगर ये कहीं आइसोलेटेड होगी तो कौम का बड़ा नुकसान नहीं होने। जो मैं सानिया जी के जायचे में देखती हूँ, ना खुशामद आती है, ना हिपोक्रेसी आती है, परफेक्शनिस्ट भी हैं, मिजाज में भी जरा तुंदी तेजी एक रहती है, तो इनके साथ कोप अप कैसे किया जाता है वहां पे सेट पे, तो आप बता सकते हैं? अब ऐसे हाँ ये इतनी शफीक खातून है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ये, नहीं उसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने बात ही ऐसी करनी है कि जो किसी को बुरी ना लगे, लेकिन बात असूलों वाली करती है। तो यही तो कह रही हूँ कि लोग हजम कैसे करते हैं, कर लेते हैं लोग। नहीं नहीं पहले सानिया जी से पूछना, सानिया जी आप कैसे करते हैं, आप बताएं आपकी इतनी डिसिप्लिन्ड और असूल पसंदी। हमने मियां बीवी इतनी दफा किया है कि हुन मैं कोई ड्रामा हो ना, तो मैं कहना मैंने वो वाली बीवी चाहिए।